वैसे देखा जाए तो यार एश कैचम काफी ज्यादा स्पेशल है हर एक पोकेमॉन फैंस के लिए, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं। लाइक वो पोकेमॉन को काफी अच्छे तरीके से प्यार देता है, एंड उसी प्यार के कारण कोई भी भत्ता से भत्ता पोकेमॉन भी एश को अच्छी खासी विन दिला के चला जाता है। एंड इसी रीजन के कारण हम लोग एश कैचम को काफी पसंद भी करते हैं। बट रिसेंटली मेरे दिमाग में ऐसे सारे ख्याल उठे कि व्हाट इफ अगर एश कैचम इविल होता, एंड अगर वो इविल होता देन वो क्या बनता, टीम रॉकेट में चला जाता या फिर बेसिकली वो पोकेमॉन मास्टर ही नहीं बन पाता। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो यार, हर एनिमे के अंदर जो एमसी करेक्टर्स होते हैं यानी कि मेन करेक्टर्स, वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखते हैं। स्पेशली एश कैचम की काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, बट स्टिल कभी ना कभी क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर इतना ज़्यादा प्यारा करेक्टर है इविल बन जाए। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो में पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार देखो एश कैचम बुरा भी बनेगा ना तो भी वो बेचारा बेवकूफ ही रहने वाला है। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और तुम्हें ऐसे कुछ पोकेमॉन कंटेंट देखने में मजा आता है तो बी श्योर इस चैनल को तुम चेकआउट करो, यहाँ पे तुम्हें और भी कमाल के पोकेमॉन कंटेंट देखने मिलेंगे। अगर आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर ही रहे हैं तो सबसे पहले जो दो पर्सपेक्टिव होते हैं कि हम लोग ईवल किस तरीके से देखना चाहते हैं। देखो ईवल के दो मतलब हो सकते हैं या फिर इससे भी ज्यादा भी, लाइक एकदम पक्का वाला ईवल लाइक गुंडा वाला लाइक पॉल जो कि हमेशा अकड़ में रहता है, या फिर ऐसा करेक्टर जो कि हमेशा दिमाग से गर्म रहता है, हमेशा दूसरों को चिढ़ाता रहता है बट एंड ऑफ द डे प्यारा करेक्टर है लाइक गैरी ओक। ये काफ़ी ज़्यादा वंडर करने वाली चीज़ है कि हम लोग किस तरीके से देखना चाहते हैं एश कैचम को ईवल बनते हुए। ईवल बनते हुए मेरे हिसाब से अगर हमें एश कैचम को देखना है देन प्योर ईवल, ना कि सिर्फ गुस्से वाला। तो देखते हैं अगर क्या होगा अगर एश कैचम अपने ईवल वाले फॉर्म में आ जाए तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखने मिल सकती है एश के करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। वन ऑफ द एश का जो मोस्ट पावरफुल एट्रीब्यूट है जो कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता है एश कैचम से, वो है उसकी काइंडनेस। वो काफ़ी ज़्यादा अपने पोकेमॉन को पसंद करता है एंड कंपैशन, और वो अपने पोकेमॉन के साथ काफी प्यारे तरीके से वर्क करता है, उनकी काफी ज्यादा केयर करता है अपने पोकेमॉन के लिए, इवन अपने दोस्तों के लिए। 10 साल का है बच्चा बट इसके बावजूद काफ़ी मैच्योर हरकतें की हैं। मतलब वो एक वक्त भी नहीं सोचता अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों को बचाने के लिए वो अपनी लाइफ तक को कुर्बान कर देता है जबकि वो सिर्फ 10 साल का है और 3 बार मर चुका है। इफ़ एश कैचम ईवल होता देन मुझे लगता है कि वो कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों के लिए वेस्ट नहीं करता, या फिर बोलूँ दूसरों पर यूज़ नहीं करता। स्पेशली इन फर्स्ट एपिसोड मुझे नहीं लगता अगर एश कैचम एक ईवल करेक्टर होता देन वो पिकाचू को बचाने का ट्राई भी करता एपिसोड 1 में, एंड शायद से वो अगर रिस्क नहीं करता अपनी लाइफ को पिकाचू बचाने के लिए एपिसोड 1 में, सो हम लोग को शायद से एनिमे के अंदर कभी भी पिकाचू एश पे भरोसा करते हुए नहीं देखने मिलता। देन हमें एनिमे के अंदर ऐसे भी कुछ भी प्यारे प्यारे सीन्स नहीं देखने मिलते जो कि एश और पिकाचू की दोस्ती को काफ़ी प्यारे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पिकाचू एश को छोड़ के भाग जाता कि भाई तुम्हारी बस की बात नहीं है, इवन मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता भैया, तो मेरे को जाने दो। एंड शायद से पिकाचू जो है वो उस पियरो के हाथों मर ही जाता उस एपिसोड के अंदर, हमें क्या ही पता अगर एश कैचम बचाने का ट्राई नहीं करता पिकाचू को तो। पर जो भी हो ये फर्क नहीं पड़ता, एश की जर्नी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता जब वो विरिडियन सिटी पहुंचता, क्योंकि अब ना उसके पास उसका पिकाचू होता, या तो वो मर चुका होता उसका पिकाचू, या फिर एश का पिकाचू उसको छोड़ के भग जाता, क्योंकि इतने ज़्यादा टेरेबल ट्रेनर है एश कैचम ना, लाइक इतना बड़ा इडियट, अगर वो भी ईवल बन जाए तब तो उसके साथ कोई पोकेमॉन रहना भी नहीं पसंद करेगा। ठीक है, ज़्यादा गुस्से में मत लो भाई, मैं जानता हूँ, पता है अगर मैं गलती से कभी एश कैचम कुछ उल्टा सीधा क्या कह दिया कमेंट बॉक्स में तो ऐसे चालू हो जाता है जैसे एश इनका पप्पा हो, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा, ओ माय गॉड भाई। लाइक वो विरिडियन सिटी में जब वो पहुंचेगा तब उसके पास कोई भी यूजेबल पोकेमॉन नहीं होगा, एंड डेफिनेटली वो फिर ठोकर खा रहा होगा विरिडियन सिटी में, एंड प्रोफेसर जेनी भी उसको पकड़ लेगी। इस एपिसोड में तुम्हें पता ही वो अपने पिकाचू के कारण बच गया था, वरना तो जेनी लात मार के फेंक देती उसको वापस पहले टाउन। एंड एज यू नो उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो मिस्टी के साथ हैंग आउट कर पाए या फिर मिस्टी के साथ अपनी जर्नी में ट्रैवल कर पाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा एरोगेंट और इडियट के साथ मिस्टी ट्रैवल करना पसंद करेगी अगर वो साथ में ईवल भी है तो। एज ही प्रोबेबली तुम्हें पता है कि एश कैचम ने उसकी बाइक चोरी कर ली थी, और अगर उसने अपना पिकाचू भी अबैंडन कर दिया एंड बाइसिकल भी तोड़ दी तो मुझे नहीं लगता मिस्टी के पास कोई रीज़न होगा उसके साथ ट्रैवल करने के लिए, राइट? अगर वो ईवल है, वो अपने पोकेमॉन को भी छोड़ रहा है, वो इधर उधर की चीज़ें तोड़ रहा है, तो या मिस्टी वुड नेवर ट्रैवल विद सच गाय। कोई नहीं मिस्टी, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, एश दीवा तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं रहूँगा तेरे साथ, एश को भूल जा, ठीक, बी माई वाइफ हूँ, एश को भूल जा। ओके गाइस, तो काफ़ी पर्सनल बातें कर ली, अब टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि मैं तुम्हें बताया कि जैसे हमारी स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, एश के पास कोई भी उसका यूजेबल पोकेमॉन नहीं है, ना ही उसके साथ पिकाचू है, ना ही उसके साथ मिस्टी है। विद नो पोकेमॉन्स ऑफ हिज ओन वो शायद से टीम रॉकेट को कभी रोक भी नहीं पाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली जब टीम रॉकेट ने विरिडियन पोकेमॉन सेंटर को अटैक किया था, वैसे पोकेमॉन वालों का खर्चा बच जाएगा क्योंकि एश के कारण वो जिम तो बूम हो गया था, समझ रहे हो ना।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऐश के साथ इस बार उसका पिकाचू नहीं होगा, तो पोकेमोन वालों का तो खर्चा कम पड़ेगा ही। साथ ही साथ मैं तुम्हें बता दूं, टीम रॉकेट को भी ऐश केचम नहीं रोक पाएगा, विच मीन्स टीम रॉकेट विरिडन सिटी के सारे पोकेमोन चुरा के भग लेगी एंड ऐश केचम उसको देखता रहेगा। एंड सीइंग हाउ मेनी पोकेमोन जो कि चले गए टीम रॉकेट के साथ, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एंड शायद से वो टीम रॉकेट से बात करे उनके साथ ज्वाइन करने के लिए टीम रॉकेट, मोस्ट प्रॉबली ऐश केचम कर सकता है, ठीक है। अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कोई ट्रेनर वेनर नहीं बन सकता, ना ही उसके पास पोकेमोन है, तब वो टीम रॉकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। इवन तुम्हें पता होगा सरुलियन सिटी के अंदर पोकेमोन गेम्स में तुम्हें एक बंदा मिलता है जो कि तुमसे पूछता है अगर तुम्हें अप्लाई करना है टीम रॉकेट के लिए। तो एज यू नो हमें ऐश केचम क्यों पसंद है एंड हर लेजेंडरी पोकेमोन को ऐश केचम क्यों पसंद है, उसके क्यूट एंड इनोसेंट बिहेवियर के कारण लेजेंडरी पोकेमोन भी उसको पसंद करते हैं। बट इस बार अपना ऐश केचम ना ही इनोसेंट है, ना ही ऐसा कुछ उसने हरकत की है, देन मोस्ट प्रोबेबली उसको कोई लेजेंडरी पोकेमोन्स भी नहीं मिलने वाले अपने जर्नी के अंदर। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर उसके अंदर उसकी वही प्यारी आदत, लाइक वो इतना प्यारा है, वो इतने पोकेमोन्स को ट्रीट करता है अच्छे तरीके से एंड वही उसको स्ट्रांग बनाती है, अगर उसके अंदर यही नहीं है देन मोस्ट प्रोबेबली वो एक लो लेवल का गून बन के रह जाएगा टीम रॉकेट के अंदर, जो कि कभी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता क्योंकि उसने कुछ ऐसा अचीव ही नहीं किया अपने जर्नी के अंदर, होपफुली अगर वो ईवल रहा तो। एंड वो कभी भी पोकेमोन मास्टर नहीं बन पाएगा, अनफॉर्चुनेटली ऐश के ड्रीम का हो जाएगा चकनाचूर। दिस इज बिकॉज ऐश एरोगेंट है, इडियट है, टेरेबल ट्रेनर है एंड इसी कारण वो अपने प्यार, डिटर्मिनेशन और अपने करेज को भूल जाएगा। तो पता होगा ऐश का पोकेमोन क्यों स्ट्रांग हो जाते हैं बाकी पोकेमोन ट्रेनर से, जस्ट बिकॉज उसके पोकेमोन नॉर्मली रिएक्ट करते हैं ऐश के प्यार के साथ, उसकी डिवोशन के साथ एंड अपना पूरा जान लगा देते हैं, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट फाइट लड़ते हैं अपनी जर्नी के जब भी वो ऐश के चमके हार्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। बट ईवल ऐश के अंदर ऐसा कुछ भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे, तो ऑफकोर्स एक एरोगेंट इडियट के साथ मुझे नहीं लगता कोई भी होप्स है कि वो आगे चल के मास्टर या फिर चैंपियन बन सकता है, वो भी बिना किसी फ्रेंड के या फिर कोई अच्छे दोस्त के जो कि उसको गाइड कर सके, like Brock। बट आफ्टर ऑल ऐश केचम सिर्फ 10 साल का ही है, तो ऐसा तो नहीं है वो खून खराबे में उठा रहेगा, क्योंकि तुम मुझे नहीं लगता तुमने कभी सड़क पर देखा होगा 10 साल के बच्चे को छुरी लेके, चलो बेटा आज तो खून करके आएंगे हम किसी ना किसी का, ऐसा नहीं होता। 10 साल का बच्चा इतना भी ज़्यादा ईवल नहीं हो सकता, तो हम लोग एक लिमिट में रह के बात करने वाले हैं। एज वी ऑल नो कि टीम रॉकेट कांटो रीजन को रूल क्यों नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ ऐश केचम। ऐश केचम काफ़ी बार टीम रॉकेट के सपनों को तोड़ देता था इन शॉर्ट कहा जाए तो, बट इस बार ऐश केचम टीम रॉकेट के साथ है एंड वो खुद ईवल बन चुका है, तो डेफिनेटली टीम रॉकेट जो है वो डोमिनेट करेगी कांटो रीजन को अंटिल म्यूटू एस्केप नहीं हो जाता अपनी क्लोन आर्मी के साथ। क्योंकि तुम्हें पता होगा नॉर्मल टाइमलाइन के अंदर जहां पे ऐश केचम काफी अच्छा है, वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो ह्यूमैनिटी को रिडीम कर सके म्यूटू की आइस पे एंड इस कारण म्यूटू काफी इंप्रेस हो जाता है ह्यूमैनिटी से। बट इस बार ऐश केचम उल्टा और जाके उसको भड़का के आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस बार वो गुस्सैल है, तो या म्यूटू इस बार तो ह्यूमैनिटी को खत्म करके ही छोड़ेगा भाई। थैंक्स टू ऐश केचम वो इस बार पूरा ईविल बन चुका है एंड एटलीस्ट वो कांटो रीजन में तो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा म्यूटू। मोस्ट प्रॉबली अगर तुम लोग ऐसा पूछ रहे हो कि ऐश केचम फिर अपनी टीम में कौन सा पोकेमोन रखेगा, वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है वो रैटाटा से ज़्यादा कुछ रख पाएगा अगर वो टीम रॉकेट में चला गया तो। अगर हम लोग तब भी थोड़ा पॉजिटिव सोचें एंड ऐश केचम को मे बी थोड़ा हायर अप में ले जाए टीम रॉकेट में, तो शायद से उसके पास मेगा गैंगा, डार्क राइज, जेंगूस, मेगा हॉर्नडूम, वीजिंग, पिंसर एंड ऐसे काफ़ी सारे पोकेमोन्स लाइक हुपर, शेडिंजा, गॉर्गेस्ट, चैंडलियर, यमास, कैजी स्लैश, गॉर्फ्रेगस, पंपघूस, सेबलाई, मिस्ट्रिवस एंड बहुत सारे ऐसे घोष पोकेमोन्स एंड डार्क पोकेमोन ऐश केचम के साथ होते। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहेगा, इसलिए भाई ऐश केचम का शुक्र मनाओ कि भाई वो काफ़ी अच्छा है दिल का, वरना भाई वो म्यूटू तो उड़ा के रख देना था कांटो रीजन को। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हें वीडियो कितनी पसंद आई ऑफकोर्स। एंड अगर तुम्हें चैनल पसंद आया एंड मेरी कमेंट्री, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोस्ट पोकेमोन वीडियोस एंड हिंदी। तो मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर छोड़ के जाना। आज का पोके क्विज एंड आज के पोके क्विज विनर्स तुम्हारे सामने है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।